तो खुश हो ना। इस परांदे ने तो मेरी जान अजाब में डाल दी थी। वो तो अच्छा है ठेले वाले के पास मिल गया। अच्छा मोनी, अब मेरी बात सुनो कान खोल के। तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें यहाँ लाया था, समझ गई? अगर बताओगी ना तो मैं तुम्हारा टेटवा दबा दूंगा। और किसी को ये भी मत कहना कि यहाँ क्या हुआ था, वरना मोनी मैं तुम्हें ना आग में जला डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आग में। अच्छा है ना? हाँ। तुम कितनी प्यारी हो मोनी। अरे क्या हुआ? मैं पहना देता हूँ ना परांदा तुम्हें। अरे अच्छी तरह पहनाना आता है मुझे। अच्छा ये ब्लैक वाला बांध देते हैं। देखो तुम्हारे बाल यहाँ से पीछे। ये कौन है? इस वक्त कौन आ गया? कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? क्या क्या करूं? तुम ये लो, ये लो, ये तुम्हारे लिए स्प्रे लाया हूं। और अच्छे बच्चों की तरह ना यहीं बैठना, आवाज मत निकालना। मैं अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, ठीक है? आ रहा हूं, कौन है? क्या बात है भाई? अरे यार अफजल तू शुक्र है घर पे। जल्दी चल, वो अपने इस्माइल भाई ने उनकी बीवी सामने गिर गए, चल के देख ले यार। अबे मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, छोटा वोटर से कंपाउंडर हूँ, जाओ यार। अबे भाई बात सुन, तू नजर तो चेक कर सकता है ना, सरा चल के देख ले यार। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अरे जाऊंगा हूँ नहीं यार, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अच्छा चलो चलो चल ना। ऐसी रिलेशनशिप होती है अपने घर वालों के साथ? तुमने देखा कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से घर जाती हूँ और उतने ही कॉन्फिडेंस से मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। कभी मुझसे कोई ये स्टूपिड सवाल नहीं करता कि कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो। एंड यू नो व्हाट, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, लड़के भी लड़कियाँ भी सब ऐसे ही हैं, सुपर कॉन्फिडेंट। उनसे इस तरह के सवाल नहीं होते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहें चाहते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहें वहाँ नहीं जाते। और तुम अपने घर वालों को देखो, उनका बस चले ना तो वो तुम्हें मक्खी बना के दीवार में चिपका दे। हाँ तो सहबा, मैं तुम्हें ये तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। हमारे घर का माहौल, हर चीज अलग है बिल्कुल। मर्श, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम अपने घर वालों की सोच कभी नहीं बदल सकती, लेकिन तुम अपनी सोच तो वसी कर सकती हो ना। देखो मर्श्क, जंजीरें तब टूटती हैं जब कैदी उन्हें तोड़ना चाहते हैं। यू नीड टू फाइट फॉर योर ओन राइट्स। पता नहीं, या शायद मुझे आदत हो गई है इसी माहौल की, इसी तरह खुश रहने की, इसी तरह जीने की। आई रियली विश मोर्श्क कि तुम अपनी कदर जानो, अपनी पहचान जानो। मोर्श्क तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और खुशबू को अगर हम किसी जगह पर कैद कर देते हैं ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका कोई नाम नहीं रहता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अपनी एक पहचान हो, एक नाम। एनीवे, थिंक अबाउट व्हाट आई सेड। कुछ लो ना। पास्ता इज रियली गुड।
अफजल, अफजल यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम गीती को अस्पताल ले आए। अरे अब ऐसी बातें करके शर्मिंदा ना करें इस्माइल भाई, एक मोहल्ले में रहने के बाद भी अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखे तो इंसानियत कहाँ जाके समाएगी। वैसे गीती भाभी को हुआ क्या है, काफी अरसे से बीमार चल रही है। क्या बताऊं यार, ऐसा लगता है दुख का सूरज सवा नेजे पर आन खड़ा हो। गीती को आंतों का कैंसर। ओहो, ये तो काफी खतरनाक बात बता दी इस्माइल भाई। वैसे इलाज विलाज करवा रहे हो या नहीं? ऑफिस से लोन अप्रूव करवा लिया है, बस गीती के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम बस दुआ करो। अरे मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, बल्कि न्यास की देख बनवाऊंगा जिस दिन बाबी सेहतियाब होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया है। फिक्र ना करो, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अच्छा गीती कहाँ पर? वो ऊपर वार्ड में है। कैसे आप? सच पूछिए तो मुझे आपके घर को देख के बहुत रश्क आता है। कितना पुरसुकून माहौल है ना आपके घर का, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कितना प्यार से रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा अब आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने कहावा दम किया ताजा ताजा। ये लो, नींबू लोगी साथ? थैंक यू। देखो बानो, माहौल तो इंसान ही बनाते हैं, अब फरिश्ते आकर तो घर का माहौल नहीं बदलेंगे ना। तुम्हें अगर ये सब अच्छा लगता है तो तुम्हारे घर का माहौल भी ऐसा हो सकता है, इतना ही पुरसुकून, इतना ही खुशगवार। सच्ची बात तो ये है कि माँ और बेटी से ज्यादा करीबी रिश्ता कोई नहीं होता। ये बात तो ठीक है आपा, लेकिन मेरी अम्मी को ये बात कौन समझाएगा? तुम्हारी मोहब्बत समझाएगी, तुम्हारी खिदमत, उनके लिए तुम्हारी इज्जत। तुम अपने अंदर ये खूबियां पैदा कर लोगी ना तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगी। आपा आपसे एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करें तो? फिर डोंट माइंड। कहो। क्या हो गया, बिला झिझक बोलो। वो आप मेरे लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, डिसेंट हो, और वो मेरी अम्मी को अपने साथ रखने पे एग्री हो जाए? बस आप तो जानती हैं उनका मेरे अलावा दुनिया में है ही कौन। अब ये की ना तुमने बेटियों वाली बात, अम्मी के लिए एहसास है ना दिल में, तो उन्हें भी तो होगा। आप इफ्तिखार भाई से क्यों नहीं बात करती? हो सकता है उनकी नजर में कोई ऐसा लड़का हो जो अम्मी को साथ रखने पे राजी हो जाए। हाँ मैं उनसे ही बात करती हूँ और खुद भी देखती हूँ, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आपा कावा बहुत मजे का है। तो पियो भी तो सही, बस बातें बनाती रहती हो। पी रही हूँ। To hell with her यार, समझती क्या अपने आप को वो? Exactly man, who does she think she is? You know what? I have an idea. क्यों ना हम एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करें और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएं? What do you think? Sounds good. बल्कि कल परसों मेरे पेरेंट्स सिंगापुर जा रहे हैं, तो दो तीन हफ्ते के लिए घर खाली है, तो तुम्हारा ये इवेंट, बल्कि तुम्हारा ये बहुत स्पेशल इवेंट मेरे गरीब खाने पर भी रख सकते हैं। Are you serious? Yeah. Thank you, Nomi. तुम कितने अमेजिंग हो ना। तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा। फिर मैं शरीफ भी तो हूं ना। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? कॉफी प्लीज। ऑर्डर करने की आदत नहीं जाएगी। I'll get it. थैंक यू।
अभी हम लोग एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं, यूं ही मिलने बैठने का बहाना कह लें, तो हम चाह रहे थे कि इर्तिजा को भी ज्वाइन करवाएं, बस उसे इनवाइट करने आए। वैसे नोमी, इर्तिजा तो अभी बाहर गया हुआ है, उसको बहुत अच्छी जॉब्स की ऑफर्स आ रही हैं, वो चाह रहा है कि किसी अच्छी जॉब का इंतखाब करे, इसी सिलसिले में गया हुआ है। वैसे जब वो आएगा तो मैं तुम्हारा मैसेज उसे कन्वे कर दूँगी। जी हाँ, असल में तो डैड भी बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि वो उनकी फर्म ज्वाइन करें। हाँ, मेरी नवीद भाई से बात हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी जॉब ऑफर की है इर्तिजा को। अस्सलाम वालेकुम मामा। अरे वालेकुम सलाम। चलो इर्तिजा आ गया, तुम लोग बैठ के बात करो, मैं चाय का कहकर आती हूँ। हेलो। हे, क्या हाल है? ठीक। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अजीब हो यार तुम, दोस्तों को भूल जाते हो। तुम्हें याद है हमने मॉन्टेसरी भी साथ किया? बिल्कुल नोमी, और ये भी याद है कि हम साथ में यूनिवर्सिटी भी गए थे। मैं ग्रेजुएट कर गया, इंजीनियर बन गया, और आज मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यूज दे रहा हूँ। और तुम अभी तक मास्टर्स कर रहे हो? इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट दोस्तों का दोस्त हो ना। हाँ, we are proud of ourselves, right? I 100% agree. You know what, Irtiza? ये जॉब ढूंढने के लिए, करियर बिल्डिंग के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। We like to live life fully in the moment, है ना? We love to enjoy life. Why not? लेकिन अपने अपने perspective की बात होती है। Yeah, actually मैं उस दिन के लिए तुमसे apologize करना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया था, you know, जज्बाती हो गया था। मैं भी। एंड सेकेंडली आई नीड टू इनवाइट यू टू समथिंग, दिस अ लिटिल इवेंट। इवेंट? या एक छोटा सा इवेंट रख रहा हूँ, गेट टुगेदर। अल्लाह गुल्ला करेंगे, मौज मस्ती, डांस वांस। नोमी तू तो जानता है ना यार, मुझे इस किस्म की पार्टीज में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं। एंड सेकेंडली अगर तुम अपोलोजाइज कर रहे हो, आई एक्सेप्ट इट, एंड योर्स टू। सोच लो इर्तिजा, पार्टी में मेरी काफी सारी फ्रेंड्स आ रही। सेवा, तो मुझे फिर से यहाँ पे ले आई, मैं रोज रोज अम्मी से बहाने नहीं कर सकती हूँ। यार मुझे सिर्फ एक पार्टी टॉप लेनी है, 15 मिनट लगेंगे, जल्दी पसंद कर लूंगी मैं। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें भी इस पार्टी में लेके जाऊँ। सोचो भी मत तुम ये। यू नो व्हाट, मैं सोच नहीं रही, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम इस पार्टी में आओ। एंड हाउ अबाउट मैं तुम्हारे लिए कोई इस टाइप का ड्रेस सेलेक्ट करूं? तुम पागल हो गई हो? चलो बस, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, घर भी जाना है। अरे मोश, देखो कौन आया। कौन है? Hi Irtiza, what a pleasant surprise. Hello. Indeed, a pleasant surprise. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें किसी ने मेरा स्पाय बनाकर भेजा है? क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ तुम वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हो। Nice joke. अच्छा खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि पार्टी में आ रहे हो कि नहीं? Well, depend करता है कि पार्टी पे कौन कौन आ रहा है। मुश, आप आएंगी ना पार्टी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ रही। मैं अगर मुश्क के पेरेंट्स को पता चल गया ना कि पार्टी में जा रही है तो इसे ज़िबा कर देंगे। क्यों मुश्क? एक्चुअली यू नो व्हाट इर्तिजा, आई कैन कन्विंस मुश्क टू कम टू द पार्टी, लेकिन तुम्हें एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, अगर तुम वादा करती हो कि तुम मुश्क को पार्टी पर ले आओगी तो मैं तुमको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दूंगा। कैसी इंफॉर्मेशन? यू समझ लो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। इत्तेज़ा साहब, मैं पार्टी में नहीं आ सकती हूँ, मेरे घर से मुझे इजाज़त नहीं है इस तरह की पार्टीज और गेट टुगेदर्स में आने की, इसलिए आई एम सॉरी, आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। सहबा चलो ना प्लीज़, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बस मैं एक मिनट आई, एक मिनट, एक मिनट। यू नो व्हाट मिस्टर इर्तिज़ा, आई प्रॉमिस यू कि मुश पार्टी में ज़रूर आएगी। फिर देखते हैं कैसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो तुमने मुझे देनी है। श्योर। सहबा आ भी जाओ। सहबा हर दफा ऐसे करती हो तुम,
अंबर बेटा किचन साफ हो गया? जी अम्मी जी, खाली किचन ही नहीं, मैंने आटा भी गूंद के रख दिया। शाबाश मेरी बेटी, शुक्रिया तुम्हारा। कैसी बातें करी अम्मी आप, अब छोटे छोटे कामों के लिए आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। मैंने तो कई बार सोचा कि तुम्हारे अब्बू जी से कहूँ एक मुलाजमा रख लें, मेरी बच्चियों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। पर कुछ भी कहते हुए डरती हूँ कि मिजाज का कुछ पता ही नहीं, कभी बड़ी बड़ी बातें आसानी से मान जाते हैं और कभी छोटी सी बातें बड़ा सख्त रद्देअमल होता है उनका। जानती हूँ अब्बू जी के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं। वो कहते हैं कि जिस घर में तीन औरतें मौजूद हैं वहाँ मुलाजमा की क्या जरूरत है, और शायद ठीक ही कहते हैं। मेरी तो दुआ है कि मेरी बच्चियाँ जिस घर में ब्याह कर जाए राज करें, इतनी आसाइशें, इतना आराम मिले, कोई कभी उन्हें सुइयों के साथ कदम से कदम मिलाने पर मजबूर ना करे। अम्मी जी आप यकीन माने, हम आपके साथ और अब्बू जी के साथ बहुत खुश हैं, बहुत इत्मीनान में हैं, सुकून में। अब इसी बात से अंदाजा लगा लेना, कोई सोच भी नहीं सकता कि अब्बू जी ने मुझको उसके पसंद के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, ना कि सिर्फ एडमिशन दिलवाया बल्कि उसको इतना सपोर्ट भी किया। इससे तो पता चलता है कि वो अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। बाप की मोहब्बत अजीब चीज होती है, चिंगारी में दबी राख की तरह, कभी कभी एकदम से लौ देती है और बेध्यानी में हाथ चला देती है। फिलहाल तो ना मुझे उन मोहतरमा से बहुत जलन हो रही है। देखे ना अम्मी, हमें सारा काम सौंप दिया अपना और खुद बैठ के पढ़ रही है। मुझे तो उन मोहतरमा से ना दो बातें करना भी नसीब नहीं हो रही। तो तुम मुझसे बातें किया करो ना, मैं हूं ना बातें करने के लिए। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना, उससे ज्यादा अच्छी मेरे इतने सारे काम करती हो, है ना। कुल मैं रख कर आती हूँ। ठीक जाओ। पुरानी अखबारें पता नहीं क्यों पड़ी रहती है। I really wish मोर्शक कि तुम अपनी कदर जानो, अपनी पहचान जानो। तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और खुशबू को अगर हम किसी जगह पर कैद कर देते हैं ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका कोई नाम नहीं रहता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अपनी एक पहचान हो, एक नाम हो। मुश, आप आएंगी ना पार्टी? किन ख्यालों में गुम है मोहतरमा? तुमसे एक बात शेयर करनी है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों, मेरी शक्ल के अब्बू जी से मिलती है? तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारे ना ख्यालात मिलते हैं। मेरे ख्यालात अब्बू जी के ख्यालात से मिलते हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करो बहना। और नहीं तो क्या, कंजर्वेटिव हो रही हो तुम भी। ओ अच्छा, तो मेरी प्यारी बहना पर बाहर की दुनिया के रंग चढ़ गए। अब तो जाहिर है घर वाले तो लगेंगे कंजर्वेटिव। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। सहबा है ना, सहबा और उसके कुछ फ्रेंड्स ने ना मिलके गेट टुगेदर प्लान किया है, मुझे भी इनवाइट किया है, मुझे जाना चाहिए ना, है ना? मुश्क, मेरा मशवरा ये है कि तुम इस आग से ना दूर ही रहो। देखो ये सारी चीजें ना हम जैसों के लिए नहीं है, इतनी सी भी चिंगारी ना तुम्हें ना काबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। कर दी ना तुमने अब्बू जी वाली बातें, पर तुम मुझे ये बताओ कि मैं वहां जा कैसे सकती हूँ? यार हम लोग कोई 80-90 साल के थोड़ी है जिस तरह जिंदगी गुजारे। मैं भी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ यार, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। कुछ सांसें अपनी मर्जी की जीनी है मुझे। सिर्फ कुछ सांसें। अंबर, 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 मैंने डिसाइड कर लिया है,
मैंने डिसाइड कर लिया मैं कुछ भी करके वहां जाऊंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि यहाँ घर में बैठ के हम जिंदगी की क्या क्या चीजें मिस कर रहे हैं। अरे तुम लोग अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? जी वो अबू जी वो अबू जी वो मुश की दोस्त है ना, उसने अपने घर पार्टी रखी है तो उसने मुश को इनवाइट भी किया है, तो हमने सोचा हम आपसे परमिशन ले लें। यही डर था मुझे, यही खतरा था हमेशा मुझे, इसीलिए मैं इस तरह के तालीमी निजाम और मुखलूत तालीम के सख्त खिलाफ रहा हूं। जब बात तो शुरू तालीम के मुकद्दस नाम से होती है लेकिन लेकिन पार्टियों और महफिलों में सज जाती है। देख लिया, सुन लिया, लड़कियां पार्टी में जाने की मुतमन्नी हैं, जवान लड़कियां, दोस्ताने बढ़ाए जा रहे हैं, मां बाप की दी हुई तरबियत सब बाढ़ में गई। अबू जी अगर आपको नहीं पसंद तो मुश्क नहीं जाएगी, वो मना कर देगी। आप लोगों की खुशी और रजामंदी से बढ़कर हमारे लिए क्या है? मुश्क, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी फरमाइशों की लिस्ट कुछ तवील नहीं होती जा रही? तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बू जी को ये सब खराफात पसंद नहीं है, तो रोजाना एक नए इम्तिहान में क्यों डाल देती हो? बात ये नहीं है, बात ये है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आज पार्टियों में जाने की बात हो रही है, कल को वर्ल्ड टूर की बात होगी, और हो सकता है कि मास्टर्स करते करते दो चार इश्क की दास्तानें भी सुनने को मिल जाए हमें। तालीम के मुकद्दस नाम पर जो कुछ हो रहा है इन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में, क्या मैं नहीं जानता? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मां बाप के आराम का वक्त है और भी आराम करने आ गई, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए थी। आ गई उसकी सिफारिश लेकर, जाओ यहां से। सॉरी अम्मी जी। जाओ यहां से। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। यही डर था मुझे, यही खतरा था हमेशा मुझे, इसीलिए मैं इस तरह के तालीमी निजाम और मुखलूत तालीम के सख्त जब बात तो शुरू तालीम के मुकद्दस नाम से होती है लेकिन लेकिन पार्टियों और महफिलों में सज जाती है। बात यह है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आज पार्टियों में जाने की बात हो रही है, कल को वर्ल्ड टूर की बात होगी, और हो सकता है कि मास्टर्स करते करते दो चार इश्क की दास्तानें भी सुनने को मिल जाए हमें। हेलो मुश्क, मैं अर्तजा हसन बात कर रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया?
कहाँ से लिया है? गैर जरूरी सवाल है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, आपका नंबर मुझे सहबा ने दिया। मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि आपका कॉन्टैक्ट मुझे दे। आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी इस वक्त, आपको मेरे घर के माहौल का नहीं पता है। जानता नहीं हूँ, लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ कि आपका ताल्लुक एक नहायत ही शरीफ घराने से। लेकिन जानी मुश्किल। मेरा ताल्लुक भी एक शरीफ घराने से। और जहां तक बात रही क्लास ऑफ स्टेटस की, तो मैं इन फजूल बातों पे यकीन नहीं रखता। आपने फोन क्यों किया है? आपको पता है मेरे घर में इस वक्त सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ। वरना मेरे घर में ज्यादा लंबी लंबी फोनों पे बात करने की इजाजत नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी रात फोन करके डिस्टर्ब किया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आपसे एक सवाल पूछना था बस। आप उस पार्टी में तो आ रही है ना जिसका जिक्र हुआ था? एक्चुअली मुश्क, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और अब ये बहुत जरूरी हो गया है। मैं आपको कितनी दफा बताऊं कि मेरे घर में इस तरह का माहौल नहीं है, नहीं इजाजत मिलती इस तरह बाहर गेट टुगेदर्स पार्टीज पे जाने की। इजाजत है नहीं, आपने कभी मांगी नहीं। कभी कभार हम चीजों को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप एक बार इजाजत मांग के तो देखें। मैं क्यों आऊं? मेरे लिए? मुझ जितनी कशिश मेरे अंदर आपके लिए, अगर उसका जरा सा हिस्सा भी आपने फील किया है ना, तो आप पार्टी पे जरूर आएंगे। प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। रात में किससे बात कर रही हो मुश? ये इतनी रात ना हमारे घर में हो रही, पूरा जहान जाग रहा है। सहबा का फोन था। तुम्हारी दोस्त सहबा तो तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। आएगी, मेरा दिल कहता है कि आएगी। जितनी कशिश मेरे अंदर आपके लिए, अगर उसका जरा सा हिस्सा भी आपने फील किया है, तो आप पार्टी पे जरूर आएंगे। सहबा, तुमने मेरा नंबर इर्तिज़ा को क्यों दे दिया मुझसे पूछे बगैर? तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि उसने तुम्हें कॉल की? क्या मतलब? मेरी जान, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। देखो, जिस तरह नोमी मेरी लाइफ में आया है और मेरी जिंदगी में एक बाहर का मौसम छा गया है, इतनी अच्छी फीलिंग है, इतनी अमेजिंग फीलिंग है कि मैं तुम्हें डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मैं ना तुम्हें उस फीलिंग से इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ। देखो, जब इर्तिज़ा तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम्हें एक लड़की की इंटीमेट फीलिंग्स होती है ना, तुम वो महसूस कर सकोगे। मुश्क, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी फीलिंग्स महसूस कर सको। मुश्क, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और इतने थोड़े से टाइम में तुम मुझसे इतनी क्लोज हो गई। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में बेशुमार महरूमियाँ हों। इसी वजह से जब इर्तिज़ा ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा और वो मुझे सीरियस लगा, तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। वैसे भी अगर इर्तिज़ा तुम्हारी लाइफ में आएगा तो उससे तुम्हारा ही फायदा है ना। मेरा कैसे फायदा है? माय गॉड, मुझ तुम कितनी भोली हो। देखो, इर्तिज़ा हसन
उस लॉटरी के नंबर का नाम है जो किसी भी लड़की की जिंदगी में खुलेगा ना, तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। एंड यू कैन नॉट इग्नोर हिम। यही खतरा था हमेशा मुझे, इसीलिए मैं इस तरह के तालीमी निजाम और मुखलूत तालीम के सख्त खिलाफ रहा हूं। जब बात तो शुरू तालीम के मुकद्दस नाम से होती है, लेकिन पार्टियों और महफिलों में सज जाती है। आज पार्टियों में जाने की बात हो रही है, कल को वर्ल्ड टूर की बात होगी, और हो सकता है कि मास्टर्स करते करते दो चार इश्क की दास्तानें भी सुनने को मिल जाए हमें। पार्टी में आ रही हो कि नहीं आ रही हो? यू हैव टू कम। हाँ, पार्टी का मैं अभी ये सोच रही हूँ। मोश, देखो तुम्हें इस पार्टी में आना होगा। यू कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुश गई यूनिवर्सिटी? जी इफ्तिखार साहब, चली गई। आप क्यों पूछ रहे हैं, सब खैरियत तो है? नाश्ता वगैरह ठीक से कर लिया था उसने? चाय पी कर गई है। मैंने तो इसरार किया था कि नाश्ता कर ले, पर कह रही थी दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, कल रात कुछ ज्यादा बोल गया मैं। इफ्तिखार साहब, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुश्क औलाद है आपकी, आपका हक बनता है। जो बाप सारी उम्र दिन रात मेहनत करे, अपना खून पसीना एक करके दिन गिन गिन कर अपने लगाए हुए पौधों को परवान चढ़ाए, तो क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि कभी गुस्से या झुंझलाहट में कुछ कह दे? कोई तल्ख जुमला ही सही। आप बहुत छोटी सी बात को दिल पर ले रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि मुझे भी मुश्क की फरमाइश कुछ ठीक नहीं लगी। मैं भी लड़कियों के इस तरह से घर से बाहर रहने की बिल्कुल कायल नहीं हूं। ठीक है, चल ठीक, शुक्रिया। मैं शाम को बच्चियों की पसंद की कोई चीज पका लेती हूँ, खुश हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक। अस्सलामुअलैकुम। आप यहाँ? किसी को ढूंढ रही हैं आप? मेरे अब्बू जी लेने आने वाले हैं और आप यहाँ से जाए, उन्होंने आपको देख लिया। तो आप मुझसे क्यों मिलते हैं? आप गाड़ी में बैठिए, मैं बताता हूँ। क्यों? अरे मैं आपको शक्ल से चोर, डाकू या बदमाश लगता हूँ क्या? नहीं। तो फिर आइए ना, आइए। अब आइए भी। बैठिए। आप जानना चाहते हैं कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ, क्यों ढूंढता हूँ आपको, बताऊँ आपको? चले मैं वैसे ही बता देता हूँ। मुश्किल एक अजनबी सी दुनिया की भीड़ में ना
एक शनासा से चेहरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा चेहरा जिसे दिल फौरन पहचान ले, वो अपना अपना सा लगने शुरू हो जाता है और फिर दिल चाहता है कि उसे रोज मिला जाए। अरे मुझ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं आपके साथ यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं क्यों बैठ गई आपकी गाड़ी में? मेरे अब्बू जी बहुत सख्त थे, उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, मुझे घर में बिठा देंगे, मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। चांद सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं अंदाजा था कि आपके अब्बू जी इतने खतरनाक होंगे। प्लीज आप रोइए तो मत। अच्छा चलिए छोड़े इस बात को, आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसा लगता हूँ आपको? मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा है। चलें फिर सोच के बताइएगा, मैं आपकी राय का मुंतजर रहूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ उतार दीजिए, मैं आपके साथ यहाँ गाड़ी में नहीं जा सकती, मैं रक्षा ले लूंगी, मैं घर चली जाऊंगी। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, आपको नहीं पता ना मेरे अबू जी का, आप प्लीज यहाँ कहीं करीब में उतार दे, मेरे घर जाना है। लेकिन यहाँ मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूँगा? मैं आपसे कह रही हूँ ना इतना, प्लीज। मुश्क मेरी बात तो सुने, आप मत उतरिए, रहने दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। मेरी गलती थी भाई, मुझे वहां पे चलना है उस सामने वाले चौक पे।